तो फ्रेंड्स आज रोड पर ही वीडियो बन रहा है दोस्तों। वीडियो होने वाला है कुछ खास इस रोड से। आज अब रोड में गुजरेंगे गवर्नर साहब जी। गवर्नर के आने की तैयारी हो रही है। बड़ी रोड साफ सुथरी हो रही है, बड़ी चहलकदमी हो रही है, बड़ी फुर्ती के साथ सब कुछ हो रहा है। दोस्तों मैं जा रही थी कहीं और मुझे दिख गई चश्मे। कुछ देखिए इस तरह पतंगों की तरह लहराते हुए ये कुछ रुमाल। दोस्तों इन चश्मों पर मेरा दिल आ गया। दिल किस तरह से, मैं वीडियो जो बनाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं, बनाते हैं अब एक वीडियो। येलो कलर का चश्मा बड़ा कमाल का लग रहा है दोस्तों। कैसा, ओहो ये क्या लग रहा है कि चारों तरफ पीला ही पीला नजर आ रहा है। जहाँ देखो वही पीला ही पीला, इधर देखो तो पीला, उधर देखो तो पीला। चलिए चश्मा बदल देते हैं। मुझे लग रहा है दोस्तों चश्मा गिरना नहीं चाहिए, उन भाई का नुकसान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे ये क्या, मैं लाल हो गई, लाल सुर्ख। ऐसा कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। चलिए चल पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अरे ओ देखो दोस्तों, गाड़ी लाल, सूरज लाल, पेड़ लाल, जित देखो तित लाल ही लाल। चलिए और चश्मा बदलते हैं। ये चश्मा मैंने लाल रंग का हटा दिया। वैसे मुझे लाल रंग का चश्मा बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल। आहा ये तो उससे ज्यादा कलरफुल है दोस्तों। कुछ ग्रीस नजर आ रहा है। पता नहीं मेरे फेस पर तो कौन सा चश्मा जम रहा है, लेकिन मुझे कैसा नजर आ रहा है मैं ये कह सकती हूँ। हाँ आप लोग बताना कि मेरे फेस पर कौन सा चश्मा अच्छा लगा दोस्तों। और ये देखिए, ये साहब चश्मे साहब आना नहीं चाह रहे। रोड का व्यू भी देखते चलिए दोस्तों, बहुत गहमा गहमी हो रही है। ये भी कुछ जम रहा है पर काला है, इसलिए काला रंग मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद आता है दोस्तों। और मेरे पास में इस तरह के चश्मे तो है ही। चलिए मैं लगा लेती हूँ यह है। ये तो और भी डार्क है। अरे भाई इस टैग को तो हटा दूँ। बड़े प्यारे प्यारे चश्मे हैं ना भाई के पास। हाँ सभी अपना अपना बिजनेस करते हैं, सभी कुछ न कुछ बेचते हैं और इस तरह से आजीविका चलती है। ओहो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा दोस्तों, नीला। ओहो कुछ साफ सुथरा सा, कुछ सुंदर सा, कुछ बहुत ही प्यारा सा। हाँ दोस्तों तो पता है मैं इस वीडियो से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा हम चश्मा लगाते हैं वैसा हमें दिखने लगता है। दोस्तों जब मैंने लाल रंग का चश्मा लगाया तो मुझे लाल रंग दिखाई दिया, और जब मैंने पीले रंग का चश्मा लगाया तो मुझे पीला दिखाई दिया, और नीले रंग का लगाया तो नीला, और जब मैंने पता है बिल्कुल साफ कलर का यानी व्हाइट कलर का चश्मा लगाया तो मुझे साफ ही साफ दिखाई देने लगा। अभी पता है मुझे सब कुछ लाल ही लाल दिखाई दे रहा है, और पहले नीला दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में हम जैसा चश्मा लगाते हैं वैसा हमें दिखाई देता है। ऐसा ही मैंने आज सोचा कि चलिए लगाकर ही देख लेते हैं। जब रास्ते में ही मुझे इतने सारे चश्मे मिल गए, एक अनुभव भी जुड़ेगा और साथ ही मेरे दोस्तों को मैं एक वीडियो भी शेयर कर पाऊंगी, और साथ ही हम लोगों को मिलेगी एक नई समझ कि दोस्तों हम लोगों को अपने अपने चश्मे पर ध्यान देना चाहिए कि हमने कैसा चश्मा लगा रखा है। कहीं हमने किसी के लिए काला चश्मा तो नहीं लगा लिया, क्योंकि काला चश्मा लगाने से सभी कुछ काला नजर आएगा, सफ़ेद होगा ना वो भी काला नजर आएगा। तो हम अपनी दृष्टि पे ध्यान देवें, कहीं मेरी दृष्टि काली तो नहीं हो गई। भाई मैं तो अपनी दृष्टि को कोशिश करूँगी कि वाइट ही बनी रहे। चलिए दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते अभी, क्योंकि हम हैं सड़क पर। अब दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।
वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ आपके साथ में जो हमने की एक ही छोटी सी बात चश्मे की, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरी दृष्टि लाल हुई तो लाल नजर आया, सफेद हुई तो सफेद नजर आया और काला चश्मा लगाया तो काला नजर आया। ये जो बात है आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लगा होगा जरूर अच्छा। तो एक कमेंट कीजिए और भी अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत। देखिए दोस्तों, गर्मी का असर है ना, बेचारे पेड़ कैसे मुरझा गए हैं, कैसे सूख गए हैं। इतनी केयर के बावजूद भी अहरी का पाम कैसे झुलस गया, क्योंकि धूप शायद इस पर ज़्यादा पड़ती होगी। हाँ भाई, जमीन में लगा है, इसे तो हम इधर से उधर कर नहीं सकते। जैसे कि अपने पोर्ट्स को मैं ये एडवाइस देती हूँ कि भाई थोड़े शेमी शेड एरिए में रख दीजिए, जमीन पर लगे हुए पौधों को नहीं रखा जा सकता दोस्तों। तो इसलिए बेचारे कैसे सूख गए, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है और मैं इंतजार कर रही हूँ कि मानसून कब आएगा, कब बरसेगी इन पर बारिश। तो दोस्तों, आपको मेरे बनाए हुए ब्लॉग से मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे होंगे तो जरूर आप देखते हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा? जब तक कि आप एक अच्छा सा कमेंट नहीं कर देंगे। देखिए, आपको खिलाते हैं अब हम कुछ फ्रूट्स। देखिए दोस्तों, ये चीकू, चीकू का पेड़, देख पा रहे हैं कितने सारे चीकू लगे हैं। ये देखिए, ये इधर भी चीकू लगे हैं, पकने की तैयारी में है। तो दोस्तों, बस आप तो मेरे वीडियोस पर कमेंट करते रहिए। हाँ, कमेंट से मुझे ये पता लगेगा कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, और साथ ही साथ बनते जा रहे हैं प्लांट लवर कुछ इस तरह से। बस मुझे तो इंतजार है दोस्तों बरसात के आने का, तब करेंगे हम खास तौर से वृक्षारोपण स्कूलों में, मंदिरों में और सड़कों के किनारे दोस्तों। और साथ ही साथ नए नए पौधे लगा करके अपने दोस्तों को भी तो देने हैं। हाँ, मैं तो अब किसी का जन्मदिन होता है या कोई भी किसी के ओकेजन होता है तो कोशिश मेरी यही रहती है कि बस उसे पौधा दे दूँ। हाँ दोस्तों, लेकिन देना उसे ही है जो कुछ कर पाए प्यार और स्नेह उनसे। मैंने आपसे वादा किया था ना कि वीक के अंदर कम से कम 3 तो मैं वीडियो डालूंगी थी। जी, कम से कम, यानी हम लोग मिला करेंगे 3 बार, और वो भी नई नई जगह है, कुछ नई सीख के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, और कुछ देखेंगे नए नए व्यूज। जी दोस्तों, आज भी हम आपको खास जगह लेकर के आए हैं। जी, अभी बजी है शाम की 6:30, बड़ी गर्मी हो रही है ना, दिन में तो कहीं निकलने का टाइम ही नहीं होता, और आज मेरे अपने शहर में हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। जी, गर्मी के साथ साथ धूल भी छाई हुई थी, हमने कहा कि वीडियो कैसे बनाएंगे, ऐसे धूल के अंदर तो बहुत अच्छा व्यू भी नहीं आएगा, और फिर जब तक कोई और ना हो घूमने घुमाने में, हमारे साथ लोग नहीं दिखे तो मज़ा कुछ खास आता भी नहीं ना। तो देखिए, हमने आपसे कहा था और एक साथ में ही चश्मे लेकर के दिखाया था दोस्तों। तो वो जो चश्मे लगाए थे ना, मैंने किसी खास वजह से लगाए थे। चलिए, क्यों लगाए थे इतने सारे चश्मे, इसके बारे में बैठकर बात कर लेते हैं। भाई, मैं तो इतनी प्रकृतिवादी हो गई हूँ, मुझे तो कहीं भी बैठने में अब झिझक होती ही नहीं। हाँ, इन पे और फिर खास तौर से पेड़ों की गोद में बड़ा अपनेपन का एहसास होता है। तो वो जो रास्ते में वीडियो बनाई थी, हमने कहा ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, रास्ते में नहीं तो लोग चलते चलते कोई जान पहचान का मिल जाएगा तो कहेगा कि यहाँ भी कौन सा वीडियो बन रहा है प्लांट लवर का। तो इसलिए अब चलिए, रही हुई बात को हम यूँ बात कर लेते हैं।
कि हमने वो चश्मे जो तरह तरह के लगाए थे वो इसलिए लगा करके देखे थे कि लोग कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। क्या वाकई दिखता है? हाँ, वास्तव में दिखा। मैंने जब लाल लगाया तो लाल रंग का देखा, और जब नीला लगाया तो नीले रंग का, और पीले में तो सभी कुछ पीला ही पीला। दोस्तों, सही है, जिंदगी में हम किसी के लिए धारणा बना लेते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, एक ने कहा और सब मान लेते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति थोड़ा सा विचलित होने वाला है, बेकार है, गंदा है, उसकी आलोचना करते रहते हैं। वो थोड़ा सा तो होता होगा, शायद तभी उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन उसकी आलोचना कर करके, उसकी चर्चा कर करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि बस उसकी बुराई के सिवाय दोस्तों हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो हम ऐसा करना छोड़ दें कैसा हो? हाँ, तो अव्वल तो हम उसे अच्छे रूप में देखें। उस हर आदमी में क्या है, देखिए अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। हम क्यों किसी इंसान की केवल बुराई बुराई देखते रहते हैं? उसमें कुछ अच्छाई भी होगी, उसकी भी चर्चा कर लिया करें, उसे भी देख लिया करें। तो दोस्तों, मैं तो आज से, वैसे थोड़े दिन पहले से ही मैंने अपना चश्मा थोड़ा सा बदल दिया है लेकिन और बदलूंगी। क्या आप भी चश्मा बदलने के मूड में हैं? यदि हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बस हो गई काफ़ी बातें, ज्ञान ज़्यादा होता ना तो बोझिल भी बन जाता है। अब बस काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।